ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। ओल्ड फरीदाबाद स्थित राजकीय महिला आईटीआई कॉलेज में महिलाओं और छात्राओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1500 महिलाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया। इस मेले में महिलाओं और छात्राओं को नौकरी देने के लिए करीब 25 कंपनियां पहुंची, जिन्होंने महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए। महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए इस कॉलेज में पिछले साल रोजगार मेला लगाया गया था, लेकिन ये पहली बार है कि केवल महिलाओं के लिए ही इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। छात्राओं के लिए सरकार द्वारा दिए गए इस विशेष अवसर पर नौकरी के लिए आवेदन करने पहुंची छात्राओं ने कहा कि सरकार की सोच और पहल का वो स्वागत करती हैं और उनका धन्यवाद भी करती हैं। सर देखो, हमारे को अभी कंफर्म ये भी नहीं पता, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज उसका रीज़न है कि हमें बैठे बैठे हमें जॉब प्रेफर हो रही है एंड इस चीज़ का हम सबको बेनिफिट है काफ़ी ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि हर एक को मिले, कोई खाली हाथ ना जाए। यहाँ पे एक जॉब फेयर लगा हुआ है फॉर गर्ल्स के लिए, और आज की डेट में गर्ल्स के लिए जॉब बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक बहुत अच्छी जगह है कि लड़कियों को जॉब मिल रही है और हम ट्राई करेंगे कि हमें भी मिले एंड सबको मिले। वहीं इस आईटीआई कॉलेज की प्रधानाचार्य सोनिका की माने तो फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम जिले से यहां हजारों महिलाएं नौकरी के लिए आवेदन करने आईं। उनका एकमात्र ध्येय है कि कैसे भी महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा सके। यहां पे 25 कंपनियां पहुंची हुई हैं और लगभग 1500 महिलाओं के, लड़कियों के आने की है संभावना, और अभी लगातार आ रही हैं, लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बच्चों के, लड़कियों के, और कंपनियों के पास इंटरव्यू देने के लिए जा रही है लड़कियाँ। ये बस हमारा आपस का ही है, आईटीआई का है, मंत्री जी के सहयोग से। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा में ऐसे रोजगार मेले समय समय पर आयोजित किए जाएंगे, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं अब स्कूल बस और उबर ओला कैब चलाएंगी और आत्मनिर्भर बनेंगे, जिसकी शुरुआत फरीदाबाद से होगी। रोजगार मेलों की शुरुआत पहली बार ही यहाँ 2 महीने पहले आईटीआई से हुई थी, जिसके अंदर 550 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। आज मैं अपना यस सेंटर और यूएनडीपी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और अपने अधिकारियों का कि सब लोगों ने मेहनत से आज स्पेशली जो हमने कहा था इनसे महिलाओं के लिए आज यहाँ पर रोजगार मेला लगाया, और मुझे उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा बच्चियों को आज यहाँ पर जॉब मिलेगा, और जो बच्चियाँ रह गई हैं उनका भी हमारे पास डाटाबेस बन गया है। रेगुलर इस तरीके के निरंतर मेले लगते रहेंगे, उनको जॉब दिलाना। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए विनोद वैष्णव की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर